का परचम गगन को चूम कर लहरा रहा, वर्त मेरे अज्ञानता का और भी गहरा रहा। देश की प्रतिभा सराही जा रही है विश्व में, कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। आइए हम ज्ञान का दीपक जलाएं, आइए अक्षर सुधारस का पिलाएं, हम बचाएं लाज अपने पूर्वजों की, विश्व के गुरु की मिली थी इनको संज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। अक्षय साहब को शुगर डिवीजन के साथ साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का वाइस चेयरमैन। अब तो भगवान ही मालिक है शुगर मिलों का। ठीक है, बुला लो उन्हें। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। आपका अंदाजा बहुत सही था, अक्षय साहब शुगर डिवीजन के वाइस चेयरमैन बन गए। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या बड़े साहब को चेयरमैनशिप से भी हटा दिया गया? मुझे तो पहले से ही इस बात का अंदेशा था। अब ये लड़का आगे क्या करेगा मैं ये भी जानता। क्या करेगा? सबसे पहले ये शुगर मिल्स को बेचेगा, फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कोलैबोरेशन करेगा, जैसा कि आजकल आमतौर पर हो रहा है। प्रसाद साहब, ये लड़का काफी अरसे तक विदेश में रहा है,
स्वाभाविक है कि इसने वर्ल्ड वाइड बिजनेस कनेक्शन भी बना लिए होंगे, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये लड़का यहां काम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इन कनेक्शंस का इस्तेमाल अक्षय साहब अपनी शुगर मिलों को मॉडर्नाइज करने में करें। अजय शंकर साहब, मॉडर्नाइजेशन की बात तो छोड़िए, अजय जिसके बाप ने पूरी जिंदगी कभी मिलों की तरफ झांककर नहीं देखा, उसका बेटा और वो भी आज के जमाने में यहां धूल फांकने क्यों आएगा? अजी वो तो बूढ़े का दिली लगाव था, अपने हाथों से बनाया था उसने मिलों को, इसलिए उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। चलिए अब जो होगा देखा जाएगा। ना 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 ना, ना। देखा नहीं जाएगा, देखेंगे हम, आप नहीं। बस आप तो सिर्फ एक इशारा कर दीजिएगा मुझे, मैं सैकड़ों मजदूरों को भूखों नहीं मरने दूंगा। या तो यह मिल चलेगी, या तो ये मिल चलेगी प्रसाद साहब, या फिर पूरी जिंदगी का खर्चा वसूल कर लूंगा मैं एक एक मजदूर का, समझे आप? अच्छा, मुझे जरा प्लांट विजिट करने के लिए जाना है। हाँ, आप भी प्लांट विजिट कीजिए। पता नहीं कब आपको और मौका मिले प्लांट विजिट करने का। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हाँ हाँ, अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। और वैसे भी प्रसाद साहब, हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। नमस्कार। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे। वंदना, आज मैं जो कुछ भी हूं बड़े साहब की वजह से हूं। मेरे पिताजी एक साधारण मुनीम ही तो थे, बड़े साहब ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, शुगर टेक्नोलॉजिस्ट बनाया। सोचा था जब तक जिंदा रहूंगा इसी परिवार की सेवा करता रहूंगा। मगर हुआ क्या है, मैनेजमेंट में कोई बात हुई है क्या? बड़े साहब ने चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया है। तो क्या हुआ, कोई घर का ही तो आएगा, आपकी 25 साल की सर्विस हो गई है, आप कंपनी में सबसे अच्छे जीएम माने जाते हैं और मेकअप परफॉर्मेंस भी हमेशा अच्छा ही रहता है। अरे तो भाई, कोई भी आए फर्क क्या पड़ता है? अरे भाई, मिल रहेगी तभी ना, तभी तो मेरी परफॉर्मेंस और अच्छाई काम आएगी। क्यों, मिल को क्या हो गया? सभी को शक है कि नए चेयरमैन अक्षय साहब सारी शुगर मिलों को बंद करके इसमें लगी हुई पूंजी को कंप्यूटर कंपनी में लगा देंगे। और मुझे भी। आप तो नाहक परेशान हो रहे हैं। खाना लगा दूं? नहीं, अभी इच्छा नहीं। ठीक है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मैं पहली बार ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा, बेटे, शुगर डिवीजन के सीएमडी के रूप में आज से तुम अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हो। शुगर डिवीजन के चेयरमैन का पद बहुत ही चुनौतियों भरा है बेटा, क्योंकि मिल के मजदूर और कर्मचारियों के साथ साथ गन्ना उत्पादकों के रूप में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। उनका जीवन स्तर, उनका उत्थान पतन, सब कुछ तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। जब भी तुम भविष्य में कोई निर्णय लो तो इस बात का ध्यान रखना कि ये लोग तुम्हारे ही परिवार के अंग हैं, क्योंकि भविष्य में जब भी तुम्हारी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें ये बात विशेष रूप से देखी जाएगी कि अपने व्यावसायिक दायित्वों के साथ साथ तुमने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किस खूबी के साथ किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा, मैं चलता हूँ।
Yes, sir. This one is this. And those who are present here, they are here. So, sir, if you permit, I can introduce you to the Shiva. Gentlemen, good morning to you all. It gives me great pleasure to introduce our new chairman, Mr. Akshay Raj. Sir, the general managers who are present here, they are Mr. V.N. Patil, Mr. S. Mohanty, Mr. T.N. Jha, Mr. Ajay Shankar, and Mr. S.K. Patidar. And I would request all the general managers to please give me your report of your different sugar mills so that I can give it to our chairman. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, all reports I have received here. I will prepare a note, and along with this, I will send to your office. Okay. Thank you. Good morning, everybody. आप सब लोग मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और मैं आप सब लोगों की तहे दिल से इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप में से काफी लोगों ने मेरे दादाजी के साथ काम किया, मेरे फादर को भी आप सब लोगों का काफी कोऑपरेशन रहा है। 50 साल पहले दादाजी ने जो सपना देखा उसे सच करने में आप सब लोगों का काफी सहयोग रहा है। दादाजी के उसी ट्रेडिशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा पूरा सहयोग देंगे। थैंक यू जेंटलमैन। जयराम जी, मैं सभी मिल्स का विजिट करना चाहूंगा, आप जल्दी से जल्दी मेरा सारा अरेंजमेंट करवा दीजिए ताकि मैं इन सब लोगों से डिटेल में बात कर सकूं। ओके राइट। ओके सर। बेटा तू खुश तो है ना? बेटा मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुझे शुगर डिवीजन का चेयरमैन बनवाया है। मैं मानता हूं कि शुगर डिवीजन संभालना तेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। दादाजी मुझे तो इस बात की खुशी है, I'm proud of myself। देख बेटा मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, हो सकता है मेरे विचार भी बूढ़े हो गए हों, पर बेटा मुझे अपने इन विचारों से बहुत लगाव है। मैं अपनी सारी जिंदगी इन्हीं विचारों के साथ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे ये विचार सदा तेरे साथ बने रहें। जी दादाजी, आपके विचार ही तो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बेटे आज समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां जन्म ले रही हैं, सामाजिक नैतिक और मानवीय मूल्यों का बड़ी तेजी से पतन होता चला जा रहा है। ये मूल्यहीन समाज, इसकी कल्पना करके ही मैं बहुत डरता हूं। मुझे लगता है आने वाला कल उस मूल्यहीन समाज की कल्पना करके मैं अंदर तक कांप उठता हूं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आने वाले कल में ये बड़े बड़े औद्योगिक घराने, व्यवसायी घराने प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में मर्यादाओं की सारी सीमाएं तोड़ देंगे। मेरे स्वर्गीय पिता आचार्य वाचस्पति ने जब औद्योगिक जगत में पहली बार कदम रखा था तो
तो उन्होंने कुछ सीमाओं की रचना की थी, कुछ मर्यादाओं की रचना की थी, और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे बेटे राजीव ने कभी भी उन सीमाओं का, उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। उनके भीतर रहकर उसने समय के साथ साथ बहुत प्रगति की। मैं तुमसे भी यही आशा रखता हूं बेटे। दादाजी, आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं आपके बताए हुए रास्ते से भटक जाऊंगा? बेटे, महात्मा गांधी का यह मूल मंत्र था कि तुम जब भी कभी अपने आप को किसी दुविधा की स्थिति में पाओ तो सदा समाज के सबसे निचले तबके की ओर देखो, उसके बारे में सोचो, उसके पास जाओ, उसकी संवेदनाओं से जुड़ो। सदा इस बात का ध्यान रखो कि तुम अपने कृत्यों से कहां तक उसको प्रभावित करते हो, तुम्हारे द्वारा उठाया गया एक एक कदम उसको कहां प्रभावित करता है। जब तुम्हें यह लगे कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसका सीधा लाभ उस तबके को पहुंच रहा है, तो तुम ये समझना कि तुम जो भी कर रहे हो वो सब ठीक है, उससे समाज का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा, और हम सदा सदा प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे। बांट रहा है कैसी है राज्य पेमेंट कर दीजिए। खूबसूरत इलाका है। आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? पिछले 25 साल से सर। बड़े साहब ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और ये नौकरी भी मुझे उन्होंने ही दी। अच्छा जी, और कानपुर शुगर इंस्टीट्यूट से मैंने टॉप किया था सर। गुड, दैट्स वेरी नाइस। आइए आइए।
क्या है ये प्रसाद साहब? ये वेतन रजिस्टर है सर। दीजिए सर। हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? नो नो मिस्टर प्रसाद, इट्स ऑल राइट। मैं सोच रहा था कि क्या हमारी मिल के मोस्टली वर्कर्स अंगूठा लगाते हैं, क्या वे साइन करना नहीं जानते? नो सर, ये मजदूर क्लास होती ही इलिटरेट है सर। होती ही इलिटरेट? व्हाट डू यू मीन? शेमफुल मिस्टर प्रसाद। यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम है सर, और जो हैं वो मजदूर का काम करना नहीं चाहते। वो तो ठीक है मिस्टर प्रसाद, मगर जिस देश को आजाद हुए 50 सालों से भी ज्यादा हो गए हैं, उस देश में लिटरेसी की हालत आज ये है? इतनी बड़ी मिल के इतने सारे मजदूर अनपढ़ हैं? जिस देश ने पूरे विश्व को जीरो का कंसेप्ट दिया, उस देश में रहने वालों की हालत आज ये है? जिस देश ने आर्यभट्ट, स्वामी विवेकानंद, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसी विभूतियों को जन्म दिया, उस देश की हालत आज यह है? जिस देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और राइटर्स ने पूरे विश्व में धूम मचा रखी है, उस देश के मिलों के मजदूर आज भी अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। इट्स इनक्रेडिबल, सिंपली इनक्रेडिबल। मजदूरों की बात क्या कहूं सर, यहां तो बच्चों के लिए भी स्कूल पूरे नहीं पड़ते। सरकार की हर पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु जैसे जैसे दिनों दिन हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सब कुछ कम होता जा रहा है। इंडिया से ज्यादा एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को और कौन समझ सकता है? क्यों मिस्टर प्रसाद, क्या हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई कमी है? नो सर, गवर्नमेंट पॉलिसीज में तो हमेशा शिक्षा को प्राइम इंपॉर्टेंस मिली है, तभी तो हमारे देश की शिक्षा दर आजादी के समय जो 20% थी, आज 52% हो गई है। हाँ मिस्टर प्रसाद, यू आर राइट, 52% की अचीवमेंट कम अचीवमेंट नहीं है, वरना जिस देश का अंग्रेजों ने बेड़ा गर्क कर दिया था, उस देश को 50 सालों में इस स्टेज में लाना, इसे अप्रिशिएबल। आज जिस देश की एजुकेशन पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रही है, उस देश में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको क्या लगता है मिस्टर प्रसाद, हाउ टू मैनेज? सर एक्चुअली हमारी शिक्षा व्यवस्था 3 मेन पिलर्स पर टिकी हुई है। पहला सरकारी तंत्र, दूसरा गैर सरकारी संस्थाएं NGOs, और तीसरा हमारे देश की जनता, जिसका 70% भाग हमारे गांव में रहता है, और यही तबका सबसे ज्यादा कमजोर है, जबकि इसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था। जैसे जैसे हमारी सरकार ने विकास कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना शुरू किया, वैसे वैसे लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। वैसे सर अभी कुछ NGOs का ध्यान इस ओर जाना शुरू हुआ है, पर उनकी भी कोशिशें पर्याप्त नहीं है। But why? Even NGOs can't? You are right, sir. लेकिन सामाजिक संगठनों की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं और उनके रिसोर्सेज भी पर्याप्त नहीं है सर। इसका मतलब इसमें हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए इस समाज के लिए, इस देश के लिए।
याद है बेसंत वे अपने मनीषी, विश्व भर को स्वयं के दर्शन दिए थे, ज्ञान और विज्ञान का आलोक पाकर विश्व मानव के मलिन मन खिल उठे थे। स्वर्ग में वो सोचते क्या आज होंगे, ज्ञान को जो धर्म अपना मानते थे। आइए हम राष्ट्र को शिक्षित बनाए, अज्ञान के संताप को दिल से मिटाए। आज यदि ऐसा नहीं हमने किया तो होगी ये उन देवताओं की अवज्ञा। आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा। आइए हम